एतदर्थं नगरं गन्तुं मया सुदीर्घारेलयानस्य यात्रा विधीयते तदनुयात्रानुमतिपत्राय लम्बायमानायां पङ्क्तौ भूरिहोराभ्यः प्रतीक्षां कर्तुं भवामि ततश्च अहं शस्यानां मूल्यम् अवगन्तुं प्राशासनिककार्यालये सुदीर्घावधये

यत् भवान् निज गृहे एव सस्यानाम् मूल्यम् कथम् प्राप्तुम् शक्यते अथ च रेलयात्रापत्रम् कथम् पञ्जीकर्तुम् शक्यते गीते इदम् बहुशोभनम् यद् अहम् गृह एव स्थित्वा सस्य मूल्यम् ज्ञातुम् अन्तर्जालस्य उपयोगम् कर्तुम् प्रभवामि निश्चितरूपेण पितृव्य अत्र अन्तर्जालम् भारतस्य कृषकेभ्यः बहु लाभकरो भविष्यति किम् सत्यम् कृपया वदतु यद् अहम् निजलाभाय अन्तर्जालस्य उपयोगम् कथम् कर्तुम् पारयामि अवश्यम् पितृव्य सर्वप्रथमम् अहम् वदामि यत् भारतीय भारतीयकृषिमन्त्रालयः कृषकाणाम् सहायतायै कथम् अन्तर्जालस्य उपयोगम् करोति भवान् पश्यति यत भारतस्य से प्रतिशन मिता जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रु वसती अथ चिब्द कार्येषु निर्भरा वर्तते। कृषि क्षेत्राण महत्वपूर्ण कारणानि कृषि सहकारिता विभाग भारत से कृषि नियमिततया कृषि सांख्यकी एकत्रीकरणम् करोति तस्य संरक्षण करोति अथ चोर्टल अतर्जा प्रणालिया www.admarket.nic.in माध्यमेन हितधारकाणां तो कृते सुलभं निर्माति अस्याः प्रणाल्याः द्वारा कृषकाः राष्ट्रव्यापि आपण सूचना प्राप्तुं शक्यन्ते एकेन सामान्य अन्तर्जाल सम्पृक्त सुविधया सुकरेण विभिन्नोत्पादकानां दैनिक आपण मूल्य प्राप्तिः

प्रथमं एक मार्केट ने इत्यस्य पृष्ठं वेब पृष्ठं उद्घाटय यदि भवान उत्तर प्रदेशे तण्डुलानां मूल्यं ज्ञातुं इच्छति तर्हि प्रदर्शिते पृष्ठे आपण बुलेटिन खंडे निर्दिष्टा वस्तुहु तिथि दिन मूल्योपरि नुदतु यदा भवान नोदनं करिष्यति तदा नूतन पृष्ठं उद्घाटयिष्यति आगमिष्यति च पृष्ठेस्मिन् वर्षो మాస విషయ జ్ఞాతుం ఇచ్చతి తదనంతరం రాజ్య నామనం వికల్పం ఆగమిష్య సూచ్యా రాజ్య నామత అయర ప్రదేశం కయనం కృతు పేటకా ప్రకటయిష్యతిరీన్స్ ప్రణీ చినుత వస్తూనా సూచ్యాం భవాన్ తండుల ఉపరి నుదూ

यदि आपण प्रेरणालेशु क्षेत आपण वस्तु ज्ञातु इच्छति तर्दी बुलेटिन खंडे मार्केट वाइज कॉम्युडिटी वाइज डेली रिपोर्ट नुधत लिंक नोदय्वा तिथि पञ्जिका उपरि दिना चिनुत तदनन्तरं राज्यानां सूची आगमिष्यति सूचि राज्यनाम चिनुत अत्र उत्तर प्रदेशः चितः तदा सबमिट इति पिञ्जः नुदतु पटले जवनीकायाम् वा आपणः सूची आगमिष्यति यस्य आपणस्य मूल्यं ज्ञातुं भवान इच्छति तस्य पेटिकां समीक्ष्यो सबमिट पिञ्जः नुदतु यदि भवान् एकतोधिकं राज्येनाम चयनं करोति तर्हि सी टी आर एल इति पिञ्जः नोदयत्वा राज्येनाम नोदय आपनानाम विस्तृत विवरण प्रदर्शय अधुना तम अस्या प्रणालिया उपयोग पंजाब राज्य शस्य प्रवर्ति मूल्य ज्ञावा पश्य अवश्य अहम् प्रयास कौमी स्टेप वन www.egmarknet.nic.in इति डब्ल्यू उद्घाटयतु स्टेप टू ततः

तत्पत् परिणामः प्रकाशय शोभन अधुना भवान् अधिगतं यत् आपणे प्रवर्तित मूल्यं कथं प्राप्येत भवान अंतर जल प्रणालिया ह उपरि उपलब्धाहा अन्य विकल्पाहा अनविक्षणम करतुम अपि शक्नोति साम्र्पति के काले बहवाहा प्रणालिया हा, हा समुपलब्धाहा वर्तन्ते या भी ही वर्तमान भूतकाली की सूचना ह अपि वयम प्राप्तुम शक्नुमा हा एतासु निम्न प्रणालिया हा वर्तन्ते www. weatheronline.in अथवा www. weatherforecastmap. .in. कॉम् भारतदेशे भूविज्ञानमन्त्रालयस्य अन्तर्गतम् समाविष्टः ऋतुविज्ञानविभागः ऋतुसम्बद्ध पर्यवेक्षकाणाम् ऋतु अनुमानाय च उत्तरदायि वर्तते सम्पूर्णसङ्ख्याः आकलनम् डब्ल्यू 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 डोट् ऐ एम् डी डाट् जी ओ वी डोट् इन् इति प्रणाल्याम् समुपलब्धा वर्तते ऋतुविभागीय सूचनाम् अन्वेष्टुम् एते चरणाः वर्तन्ते अहम एक अंतर्जा फल का सूचना कथम प्राप्त शक्नोमी सरलतया केवल अधोलिखिता चरण अनुसरेत प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र प्रणाल्याह नाम लिखतु पटलम् आगछति यदि भवान् हिंदी भाषाया दृष्टुम्छति तर्हि पृष्ठे दक्षिण दिशि प्रस्तुता हिंदी भाषा चिनुत अत्र पृष्ठोपरी वामहस्ते विविधाः सूचनाः प्रदत्ताः यान् भवान् प्राप्तुं शक्यते ऋतुविभागीये सूचनाम् अवाप्तुम् इंडिया वेदर इत्यत्र नुदतु भवान् पुनः प्रणाल्याः उपरि डब्ल्यू डब्ल्यू इत्यत्र नुदतु अधुना डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स इत्यत्र गंतुम अत्र एक टैब इति पिंज नोदय तदा स्वनगरम नगर चिनुत भवान संबद्ध प्रणाल्याम पुनः प्रकटय उदाहरणार्थम वयम् अहमदाबाद राज्यम चयनम प्रणाल्याः पृष्ठे वामहस्ते विविधाः सेवाः ऋतुः वातावरणस्य से पूर्वानुमानम् जलपोत्र स्थात्र धीवरैः प्रबोधनम् सप्ताहवधिकम् ऋतुविवरणम् प्रदर्शयिष्यते अधिकाः सूचनाः अवाप्तुम् सम्बद्ध लिङ्क् इत्यत्र नुदतु राज्य व्यापी ॠतोः सूचनां प्राप्तुम् स्टेट फोरकास्ट इत्यत्र नुदतु साप्ताहिके ॠतु विवरण पृष्ठं स्थापनार्थं वेदर रिपोर्ट इत्यत्र नुदतु अधुना भवते अस्याः प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा चेन्नई नगरस्य आगामी मासिये ॠतोः पूर्वानुमानं सूचनां अवाप्तुम् इति विषये वदतु आम, अहम् स्वयं प्रयासं करोमि स्टेप 1

एवमेव एवा प्रकारेण गृहपृष्ठे दर्शिताः लिङ्क् इत्यत्र नोदयित्वा सूचना प्राप्तुं शक्यते किं भवान् जानाति यत् अन्तर्जालतः महासागरे मत्स्यालोडनसम्भावितक्षेत्राणाम् सूचना प्राप्तुम् शक्नुमः किम् सत्यम् कथम् भूविज्ञानमन्त्रालयम् अन्तर्गतम् प्रभावी संस्था भारतराष्ट्रिय महासागर सूचनासेवा केन्द्रस्य प्रणाली www.nicois.gov.in इति पश्यतु सूचनाम अवाप्तुम् एते चरणाः वर्तन्ते प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र www.nicois.gov.in इति विषये टंकय एकम् पटलम् आगमिष्यति मत्स्यालोडन से संभावित क्षेत्राण सूचना प्राप्त एडवाइजरी सर्विसेज पोटेंशियल फिशिंग जोन इत्यत्र गमय तटवर्ती क्षेत्राण पूर्वानुमान अन्वेषुम एडवाइजरी सर्विसेज खंड अंतर्गत ओशियन स्टेट फोरकास्ट राहुल कथम भवान् भाव अत्र कथम ज्येष्ठा भगिनी त्वमात्र पश्य अहम भृशम उल्लासित अहम कि ज्ञात पृष्ठे उपरी अग्रजे किमहम अंतर जालत शिक्षा संबद्ध सूचना प्राप्तुं शक्नोमि अवश्य रोहन अधो लिखित वेबसाइट चरणा चुकरणी एक प्रथम चरण डब्ल्यू 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 डॉट कॉम वेबसाइट इत्यत्र गच्छतु गृह टैब पिंजे सर्च बार इति प्रदत्तमस्ति संस्थानस्य नाम पाठ्यक्रमस्य नाम यस्य विषये भवान् ज्ञातुम् इच्छति तत्र नुदतु सहैव देश विदेश सूचनां अन्वेष्टुं विकल्पाह यथा स्टडी इन इंडिया अथवा स्टडी अब्रॉड प्रदत्ता एम बी ए टैब पिंज विभिन्न एम बी ए पाठ्यक्रमा संस्थान विषय सूचना प्रदत्ता भाशि पाठ्यक्रम प्रस्तावित विशिष्ट परीक्षा संस्थानना सूची दृष्टुं शक्नो द्वादश कक्षा उत्तीधीयना पाठ्यक्रमा तत्र प्रदत्ता हा। अधिक सूचनाम अवाम संबद्ध लिंक पिंज नोदय टैब चिता कैरियर सेंट्रल सर्विधा सूचना प्रस्तौति टॉप इंस्टिट्यूट्स टैब पिंज प्रयुज्य विभिन्न क्षेत्र सदृश एमबीए बीई बी टेक् अथवा एल एल बीता श्रेष्ठ संस्था कर्तुम कर्म शक्य

इति साइंस इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इति आर्किटेक्चरुत सूची नगरेभ्य बैंग्लौर संबद्ध सूचनाम अवाप्तुम् प्रत्यक्ष पटलस्य प्रयोग अद्यस्तनी काले सर्वासु प्रणालीषु सूपलब्धा वर्तन्ते उदाहरणार्थम प्रणाल सी डब्ल्यू 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 डॉट इंप्लायमेंट न्यूज डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट नौकरी डॉट कॉम डब्ल्यू डबल्यू डलू डॉट टाइम्स जॉब डॉट कॉम्ता उपलब्ध सी या ग्रामीण सूचना हा वृत्वसरा स्वीय वेब ब्रउजर् अन्वेष्य डब्ल्यू इति डब्ल्यू डॉट गृहपृष्ठे महत्वपूर्ण सूचना लिंक पिंजा युक्त बहुखंडा प्रदर्शय निजसंबद्ध केनापि लिंक इति विषय अधिक सूचना लब्धुम तत्र नोदय विभिन्न विश्वविद्यालयानाम महाविद्यालयानाम द्वारा गृहित परीक्षा परीक्षापरिण प्रवेश सारणी दृम एडमिशन एंड रिजल्ट, इत्यत्र गमय वृत्वसर संबद्ध विभिन्न सूचना प्राप्त कैरियर लिंक्स गमय शैक्षि सेवा, बैंकीय अभियंत्री संबद्ध महत्वपूर्ण इति पिंज नोदय एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार इतो ग्राहका गृह पृष्ठोपरी दक्षिण हस्ते प्रदत्त लिंक इत्यत्र गत्वा सूच्या प्रदत्त आवश्यक पदा अनुपाल भवान ई वर्जन टैब इति पिंजम नोदय यूजर्स नाम पासवर्ड इतो प्रयुज्य एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार इत्यस्य ई संस्करण प्राप्त शक्नुमः। अधुना माम इम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट इति प्रणाल्य प्रयोग कुरन नूतन वृत्त अन्वेषण कृत्वा दर्शय आम पूर्ण विश्वासोस्मि यत अहम एतत कर्तुम शक्नोमि एच टी टी पी कोलन डबल स्लैश डब्ल्यू 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 डॉट इम्प्लॉयमेंट न्यूज <laughs> डॉट <laughs> जी ओ वी डॉट इन स्लैश उद्घाटय गृहपृष्ठे स्क्रोल स्क्रोल च नवीनतम प्रशासनिक जॉब सूचना नौकरी डॉट् वेबसाइट द्वारा वृत्वसर गवेशेण भवान प्रणाल उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण विशेषतायुज्यंछित सूचना प्राप्त शक्य से अहम दर्शयाम युतेवसर नौकरी डॉट् साइट इतने प्रयोग कर्म शक्नो प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र www.nocre.com इति तंकय भवान वृत्य नाम कौशल स्थान वृत्यः श्रेणी वांछित वेतन संधारणं अन्विष्टुं शक्यते भवान वृत्तिम अन्विष्टुं गृहपृष्ठे प्रदर्शिताह विभिन्नाः पद्धतयाः अधः दर्शिताः यदि भवान नियोक्तारः अन्वेषयष्यते तर्हि सर्च रिक्रूटर्स इत्यत्र गमय अधिक परिष्कृत अन्वेषणाय फिल्टर इत्यस्य प्रयोगं कुरु यदि भवान स्वकीय व्यक्तिगत परिचयः प्रेषितुं इच्छति तर्हि गृहपृष्ठे पोस्ट रिज्यूम इति पिञ्जो नोदय रिज्यूम अपलोड इति सूचना प्रदत्ता हा तदा इति कार्यय यदि भवान लॉगिन अथवा पंजीकृत कर्तुम इच्छति तरहे जॉब सीकर लॉगिन इन इत्यत्र गमय प्रणाल्या विशेषता व्यक्तिगत सूचना लिखित्वा रिक्रूटर रीच अथवा कैरियर एडवाइस एतदर्थम फास्ट फॉरवर्ड इति टैब पिंज टंकय शिक्षा संबद्ध सूचना लब्धुम टैब इत्यत्र गमय एषः भागः सहैव विदेशानां विभिन्न पाठ्यक्रमाणां सूचनाः संरक्षति www.ruralnokri.com प्रणाली द्वारा वृत्तिः अन्वेष्टुम् वेबसाइट इत्यत्र गमय वृत्ति उद्घाट्य ईमेल प्राप्य प्रयोज्य च स्वयं पञ्जीकारय यदि भवान् स्वयं पञ्जीकरणं करोति यूजर नेम प्रयोगम कृत्वा वेबसाइट प्रणाली वामम हते मेमबर लॉगि क्षेत्रे गमय माने नूतन वृत्व वैकेंसीज इति पिंज नोदय पदसंस्था स्थान अंकित भविष्यति वृत्ति अप्राकृतिक साक्षात्कार पार्श व्यक्तिगत सूचना रेगुम इति विज्ञापन संबद्ध विभिन्न सेवाः प्राप्तुं वेबसाइट प्रणाल्याः एम्प्लॉइज सर्विसेस इति क्षेत्रे नोदय अधुना www.naukri.com इति प्रणालीं प्रयुज्य संगणक यन्त्रं वृत्ति मुंबई नगरे अन्वेषय http: <laughs> डबल स्लॅश् डब्ल्यू 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 डॉट नोकरी डॉट कॉम स्लॅश उद्घाटय की वर्ड क्षेत्र कम्प्यूटर ऑपरेटर लोकेशन क्षेत्र मुंबई टक्यू तत सर्च बटन सकेतं नुदत तत्परणा प्रकाशिष्यते अधुना पूर्णविश्वासोऽस्ति यत् भवान् अन्तर्जालद्वारा कृषि योजने सम्बद्ध सूचनाः अधिगताः चलतु एकस्मिन् क्रियाकलापे भागम् भजामः गीते अपि वयम् विद्युतः दूरभाषस्य च प्रदेय धनपत्राणि अपि अन्तर्जालीय माध्यमेन प्रदातुं शक्नुमः अवश्यम् एता दृशाः अन्तरजालद्वारा वयम् विद्युत धन पंजीकरणार्थं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः उपयुक्तताः सेवाः यथा विद्युत जल वातिः दूरभाष सेवाः वर्तन्ते अधुनावधि जगति अभिकरणानि पृष्ठ विनयव धन शुल्क वैद्युतिक शुल्क सुविधा प्रददाति एतेषां जीवनं बहु सुकरं संजातं ऑनलाइन इति प्रणाल्याः शुल्क पंजीकरणं सुकरं भवति वैद्युतिक शुल्कार्थं निम्न लाभाः वर्तन्ते यथा यात्रा दीर्घावलीषु समयः संचितं भवति अभिलेख विलुप्त संभावना नैव भवति उपयुक्त तिथि पर्यन्तं कर्तुं शक्यते चतुर्विंशति होरासु कर्तुं शक्यते शुल्क राशि ही अवश्यम अन्वीक्षेत अंश विद्युत वितरण पार्श्वे राशि राशिप्राण् प्रदेय प्रक्रिया सुविधा वर्त उदाह यदि भवान दिल्ली प्रतिवसती अथ ची एस ई एस राजधानी गृह विद्युतापूर्ति करो बी एस राजधानी इति प्रणालीत साक्षात् प्रणालीत पंजीकर्त एवं प्रकारेण विद्युत वितरण अभिकरण विद्युत शुल्क पंजीकरण कर्म शक्नु भारतस्य केचन विद्युत वितरणाभिकरणानि निम्नानि हैं चलतु अधुना अहम पशा युद्ध बी एस ई एस दिल्ल अंतर्जा प्रणाली विद्युत शुकम कथम प्रदोति प्रथम बी एस ई एस दिल्ली इत्यस्यो वेब पृष्ठे डब्ल्यू डब्ल्यू डबल्यू डॉट बी दिल्ली डॉट अधुना पेमेंट ऑप्शन इत्यत्र गमय अंतर्जालीय प्रणाली तह तो शुल्क पंजीकरण डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग इत्यस्य चयनम करोतु hmm. निर्देशाह अवधानतया पठतु पे नाउ इति विकल्पे नुदतु अधुना प्रदत्त स्थाने स्वकीय सीए इति संख्या टंकयतु भवान स्व सीए संख्याक्रमं निज निजविद्युत् शुल्कस्य पत्रं प्रति दक्षिणहस्तोपरि द्रष्टुं शक्नोति साम्प्रतम् गो इति पिञ्जम् नुदतु अधुना शुल्क प्रदेय शुल्कप्रदेयपृष्ठम् आगमिष्यति शुल्कं प्रदातुं डेबिट् कार्ड् अथवा क्रेडिट् कार्ड् इत्येतयोः चयनं करोतु यदा भवान् प्रचेष्यति तदा शुल्कप्रक्रियाम् अनुसरेत् नोट यदि भवान क्रेडिट कार्ड विकल्प इति नुदतु तत्पश्चात तम क्रेडिट कार्ड विवरण टक्यंतु च शेष प्रक्रिया समीचीन यदि भवान नेट बैंकिंग चयनम करोति तत्पश्चात तदीय शुल्क से भुगतान बैंक नुदतु तदीय नेट बैंकिंग उद्घाटनम तत्र त्वम शुल्कस्य भुगतानम् इति इनपुट यूजर ऐ डी च पासवर्ड टकयन्तु साफल्य भुक्तानं पशा तम ट्राझाक्षन रेफरेन्स नंबर प्राप्त करा अग्रजे किं वयं चल अन्तर्जालतः अंतर्जाल इति धनाहरणं कर्तुं शक्नुमः अवश्यमेव एतदर्थं निजपूर्वधनप्रदानपूर्वकं प्रयुज्य चल

अधुना द्वयोः विकल्पयोः स्वयोजनानुसारं प्रभागस्य चयनं करोतु धनाहरणराशिः प्रपूर्य कंटिन्यू। इति पिञ्जम् नुदतु स्वचलदूरभाष सङ्ख्यातः सम्बद्ध सूचना दृश्यते पुष्टिं कृत्वा त्रिशु विकल्पेषु एकं चिनुत यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता वर्तते पंजी कर्तुंच सज्जी भूतः नैव वर्तते तर्हि कंटिन्यू एज़ गेस्ट इति विकल्पं नुदतु यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता वर्तते तर्हि साइन इन इति पिञ्जम नुदतु यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता नास्ति तर्हि आत्मनम् पंजी कर्तुम् रजिस्टर इति पिञ्जम नुदतु यदि भवान कंटिन्यू एज गेस्ट इति नोदयति तर्हि समीप वर्ति पटलम प्रकटीतम अधुना भवान स्व सूचनाम पंजीकारयतु सबमिट इति पिंजम च नुदतु अधुना शुल्कम प्रदेय विकल्पेषु एकम चिनुत विकल्पम चित्वा बैंकानाम सूची युता एका ड्रॉप डाउन इति पेटिका आगमिष्यति उपयुक्त बैंकम चित्वा कंटिन्यू इति पिंजम नुदतु अधुना शुर्क प्रदान साराश प्रक्य पुष्टे इति पिंजम नुदतु अधुना स्वच्छित बैंक पेमेंट गेट्वेन स्व स्वयूजर नेम पासवर्ड इेत प्रयोग कवश्यकशीन पंजीकारयतु रोहन सांप्रतम तुम निज दूरभाष यंत्रे डब्ल्यू 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 वेबसाइट इत्यत्र प्रयास कुरु अवश्यम अग्रजे प्रथम चरण अधुना रिचार्ज इट नाउ इत्यत्र गच्छतु द्वितीय चरण सेवा उपलब्धार्थम विस्तृत सूचनार्थम नुदतु तृतीयः चरणः योजनां चित्वा धन प्रतिपूर्त्यर्थम कंटिन्यू इति पिञ्जह नुदतु चतुर्थः चरणः कंटिन्यू एज़ गेस्ट इति चिनुतं पञ्चमः चरणः चलदूरभाष्यन्त्रस्य धन पंजीकरण विकल्पः चिनुतं षष्ठः चरणः उपयुक्त बैङ्कम् धन पञ्जीकर्तुम् चिनुत अग्रजे वयम् पश्चात् राशिः देय चल दूरभाषयन्त्रस्य शुल्कम् कथम् प्रदातुम् शक्नुमः वयम् पेटीएम् इत्यस्य वेब् पटलस्य प्रयोगम् कृत्वा पश्चात् राशि देय शुल्कराशिः दातुम् शक्नुमः केवलम् एतानि पदानि अनुसरेत् प्रप्रथमम् पेटीएम् इति वेब् पृष्ठम् उद्घाटयतु अधुना बिल पेमेंट्स इति टैब्पिञ्जम् नुदतु स्वपश्चात् शुल्कप्रदेयचलदूरभाषयन्त्रस्य शुल्कम् प्रदातुम् मोबाइल इति पिञ्जम् नुदतु इत्यत्र संख्या प्रपूरयतु तदा सञ्चालकम् चित्वा शुल्कराशिः पञ्जीकारयेत् तदनन्तरम् प्रोसीड् इति पिञ्जम् नुदतु अधुना भवतः शुल्कप्रदानस्य संक्षिप्तविवरणम् प्रदर्शयिष्यते प्रोसीड् टु पे इति पिञ्जम् नुदतु अधुना पेटीएम् इत्यत्र सैन् इन् इति नुदतु यदि भवान् नूतन उपयोगकर्ता वर्त तबक उद्घाट्य तदा ईमेल मेल अथवा चलदूरभाष संख्या पेटीएम गुप्तसुरक्षाशब्द प्रयुज्य इन। गीते किम केवल चालित किचादूरदर्शन से शुक प्रदानी शक्यते आम पितृव्य भवान कर्तुम शक्नोति अहम् दर्शयामि यत् भवान रिचार्ज इट नाउ इति वेब पृष्ठ प्रयुज्य डी टी एच इतम कथम धनपूर्ण कारयिष्य प्रथम डब्ल्यू 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 इति वेब फलकम् उद्घाटय अत्र ऑनलाइन रिचार्ज इति क्षेत्रान्तर्गतम् त्रयः विकल्पाः प्रदर्शिताः टी एच् इत्यस्य धरपूर्त्यर्थम् डी टी एच् पिञ्जम् नुदतु तदा डी टी एच् सेवाप्रदातुः नाम टङ्कय अनुमन्यताम् यत् सेवाप्रदातुः रूपे टाटा स्काई इत्यस्य चयनं कृतम् अधुना स्व उपभोक्ता संकेत संख्या पञ्जीकारयेत् कंटिन्यू इति पिञ्जम् नुदतु अधुना टाटा स्काई सारणी आगमिष्यति विशिष्ट पुटकस्य सञ्चालनार्थम् धनपूरणराशिः पञ्जीकारयेत् तदा कंटिन्यू इति पिञ्जम् नुदतु अधुना डीटीएच सम्बद्ध सूचना प्रकटयिष्यन्ति एतस्य पुष्टिम कुरु उपलब्धेषु विकल्पेशु एकम विकल्पम चिनुत यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता वर्तते अथच पंजीकरणम कर्तुम नैव इहते तर्हि कंटिन्यू एज़ गेस्ट इति विकल्पम नुदतु यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता अस्ति तर्हि साइन इन इति पिञ्जम नुदतु यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता नैवास्ति परम स्व पंजीकरण कर्तुम समीहते तरहि रजिस्टर इति पिंजम नुदतु यदि भवान कंटिन्यू एज गेस्ट इति पिंजम नुदतु तरहि पार्श्ववर्ती फलकम आगमिष्यते अधुना स्वसूचना सूचना तदा सबमिट पिंजम नुदतु अधुना शुल्क राशि प्रदातुं विकल्पेशु एकम चिनुत एकम विकल्पम चित्वा बैंकानाम सूचीयुतम ड्रॉप डाउन बॉक्स इति पेटिका आगमिष्यति उपयुक्त बैंकस्य नाम चित्वा कंटिन्यू इति पिंजम चिनुत अधुना शुल्क प्रदानस्य सारांशः प्रकटयिष्यते पुष्टे पुष्टेः अनंतरम प्रोसीड इति पिंजम नुदतु अधुना भवान स्व चितस्य बैंकस्य पेमेंट गेटवे इत्यत्र पुनः निर्देशिष्यते स्व उपभोक्तानाम इति गुप्त सुरक्षित शब्दस्य च प्रयोगं कृत्वा आवश्यक राशे ही पंजीकारयेत अहम विश्वसिमि यत् भवान जनानां कृते शुल्क

बहु शोभनम अग्रजे चलतु अधुना पुनरावृत्त्यर्थम एकस्मिन् गतिविधौ भागम भजाम गीते किम भवती माम अंतर्जाले रेलयानानाम बसयानानाम च यात्रानुमति पत्राणाम आरक्षणम कथम भवेत इति प्रदर्शयितुं शक्नोति अवश्यम पितृव्य अधुना भवते रेल यात्रा पत्रार्थम अवलिशु प्रतीक्षा आवश्यकता नैव वर्तते वेब फलकमाध्यमैः रेलयान यात्रापत्राणाम् पञ्जीकरणम् वेब् फलकमाध्यमेन अन्तर्जाल माध्यमेन रेल यात्रापत्राणाम् आरक्षणम् भवितुम् अर्हति प्रप्रथमम् वेब ब्राउजर इति प्रणालीम् उद्घाटयतु अथ च एड्रेस् बार् इत्यत्र नुदतु प्रदत्तस्थाने स्व उपयोक्तानाम् गुप्तसुरक्षितशब्दम् विलिख्य लॉगिन इति नुदतु यदि वर्तमान उपयोक्ता नास्ति चेत् सैनप् सम्पृक्तौ गच्छतु तत्र च उपयोक्तुः नाम सुरक्षाशब्दाँश्च लिखतु एकवारं यदा भवान् लागिन् करोति तदा इदम् पटले दृश्यते निजयात्रापत्रम् आरक्षितुम् प्लान् माई ट्रेवल इत्यत्र फ्रॉम् ड्रॉप डाउन विकल्पे नुदतु अत्र भवता यात्रा आरंभस्य स्थात्रस्य नाम यात्रा समाप्तेश्च स्थात्रस्य नाम लेखनीयम् उदाहरणार्थं यदि भवान् बेंगलोरतः चेन्नईं गन्तुम् इहते तदा भवान् फ्रॉम इति सूच्यं बेंगलोर लिखतु टू इत्यत्र च चेन्नई लिखेत तत्र स्थानयोः भवान् स्थासनानाम् कूट संख्यामपि लेखितुम् शक्नोति सम्प्रति डेट वर्गे कालन् धरतः यात्रायाः तिथिम् चिनोतु सम्प्रति टिकेट् टाइप इत्यत्र गत्वा विकल्पद्वये एकम् विकल्पम् चिनोतु प्रथम विकल्पः आई टिकेट् इत्यस्य द्वितीय विकल्पश्च ई टिकेट् इत्यस्य अस्ति ईटिकेट् एव भवान् वैद्युतिक पत्रत्वेन प्रिंट माध्यमेन सम्प्राप्य यात्रां कर्तुं शक्नोति आईटिकेट् भौतिकम् पत्रम् यच्च भवान् अन्तर्जालीयारक्षणानन्तरम् कतिपयदिनानाम् अनन्तरम् प्राप्नोति सम्प्रति कोटाश्रेणी विकल्पान् चिनोतु अत्र हि विकल्पत्रयम् वर्तते सामान्यम् तात्कालिकम् महिला चेति सामान्य श्रेण्याम् कश्चिदपि यात्रां कर्तुं प्रभवति च रेलयानस्य प्रस्थानात् एक आरक्षितुं आरक्षितुम् शक्यते कोटा इति महिलाभ्यः आरक्षितं भवति बुक विकल्पे प्रणोदने इदं पुनः भवन्तं तस्मिन् पृष्ठे निर्देशितं करिष्यति यत्र भवता यात्रा संपादनाय यात्री विवरणं भरणीयं भवति एकस्मिन् ई एक टिकेट यात्रा पत्रे आधिक्येन षड् यात्रिणः यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति बॉक्स इत्यत्र विवरणं संपूर्य नेक्स्ट इति पिञ्जं नुदतु संप्रति भवान आरक्षण से विवरण शक्नोति प्रदर्शित विवरण अन्वीक्षताकूलमस्ति न इदम् हि कोटा उपलब्धतामपि प्रदर्शयति सहैव भवता देयम् धनमपि सेवा दर्शयति पितृव्य सम्प्रति भवान् आई आर सी टी सी वेब फलकम् प्रयुज्य दिल्लीतः पटनायाः शयन श्रेण्याः यात्रानुमतिपत्रस्य आरक्षणार्थम् प्रयत्नम् करोतु पूर्णतो दृशा विश्वसिमि यद् अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि चरणः आई आर सी टी सी इति स्वकीय लेखांकने इति वेब् पटलम् नुदतु द्वितीयः चरणः स्वीय यात्रा सूचना प्रपूरयतु यात्रा दिनांक प्रपूरयतु तृतीया चरणा सेलेक्ट पिन जहा नुदतु प्रस्तुताया हा, हा उपलब्धता अनवीक्षयतु चतुर्था चरणा बुक नाउ इत्यत्र यात्री सूचनाम नुदतु पंचमा चरणा दूरभाष यंत्रस्य संख्या

रेल रियल यात्राअनुमतिपत्रं आरक्षितुं प्रभवति आईआरसीटीसी ऐप तंत्रं विना शुल्केनैव दूरभाषे अवतारयितुं शक्यते तंत्रमेतत् एंड्रॉइड दूरभाषेण साकं विंडोज दूरभाषेषु अपि उपलब्धते एंड्रॉइड दूरभाषस्य प्रयोगं कृत्वा यात्राअनुमतिपत्रं आरक्षितुं निम्न पदक्षेपाणां अनुसरणं करोतु सर्वप्रथमम् प्ले स्टोर्तः ऐ आर् सी टी सी तन्त्रम् अवतारयतु तत् तन्त्रम् उद्घाट्य उपयोतुः नाम सुरक्षा शब्दांश्च प्रयोज्य लॉगिन करोतु सफलतापूर्वकम् लागिन् अनन्तरम् इदम् प्रकटीभवति यात्रानुमति पत्रम् आरक्षणार्थम् टिकेट इन्क्वेरी विकल्पम् नुदतु सम्प्रति प्लान माई ट्रेवल विकल्पः आयास्यति यत्र भवता अपेक्षानुकूलम् विवरणम् प्रदेयम् उदाहरणार्थम् प्रस्थान स्रोतः गन्तव्यम् यात्रा तिथिः श्रेणी कोटा यात्रानुमति पत्रस्य प्रकारः तदा अधस्तात् रेलयानानाम् सूची विकल्पे प्रणोदतु समप्रति भवतः आवश्यकतानुरूपं रेलयानानां सूची प्रदर्शयिष्यते तेषु कस्येकः चययः समप्रति यात्री आवेदनपत्रं प्रकटी यात्राया यात्रायाः विवरणं पञ्जीकारितुं ऐड पैसेंजर इति यात्रा नुदतु यात्राणाः सूचना पञ्जीकरणानन्तरं ऐड इति पिञ्जम नुदतु तदा पैसेंजर सक्सेसफुली एडेड आयाति यात्रायावरण पत्रशुकू पिंज नोदनीय अधुना यात्रायावरण यात्रा पत्र पत्रशुक प्रदर्शित भविष्य विवरण समीक्षतापलब्ध शुल्क शुकदा मेक पेमेंट इति पिंजम नुदतु शुल्क दानस्य विशिष्ट विधेहें बैंकस्य चो चयनानंतरम् स्वचालित रूपेण तस्य बैंकस्य प्रदेय्य प्रिष्ठे गमिष्यती। अधूना प्रदेय्य शुल्कस्य सफल्यानंतरम् इदम् स्वचालित रूपेण आईआरसीटीसी इत्यस्य वेबफल के पुनः निर्दिष्टम् भविष्यती। भवताह यात्रानुमति पत्रन्चो आरक्षितम् � गीते किम तम अंतरजालियम बसेयाना यात्रानुमति पत्रम अपि आरक्षितम् प्रभवसि हम नूना मेव बहुनि अभिकरणानि सन्ति येशाम द्वारा बसयानस्य अनुमति पत्रम अपि द्वारा भवता आरक्षितम् शक्यते कृपया प्रदर्शयतु यद्वयं कथमेतत्कर तुम प्रभवामहं अस्तु पूर्वम वयम कतेचे प्रसिद्ध अंतर पोर्टल व्यवस्थानाम विषय जानी महा याश्चो साविद्धयमिदम् सुलभी कुर्वन्ती काशचन अंतर जालीयाह पोर्टल व्यवस्था हा यासाम मध्यमेनो भवान निजबसे याने यात्रानुमती पत्रम आरक्षितुम् शक्नोती redbus. in travelyari. com bookbusnow. com अभी बस seatselect.in, simplybus.egooji.com आदि यद् भवान निज बसयान यात्रानुमति यात्रा अनुमति पत्रम आरक्षितम् शक्नोति। सर्वाधिक प्रसिद्ध पोर्टल व्यवस्था से redbus.in इति यस्य पार्श्वे प्रतिशतम् पंच शश्टीतः अभी अधिक आपनसे अनशाह संति। संप्रति तान उपक्रमान पश्चामहं यद् द्वारा रेडबस पोर्टल व्यवस्थाम प्रयोज्यो यात्रा अनुमति पत्रम आरक्षितम शक्नोति प्रो प्रथमम् www.redbus.in इति लॉगइन करोतु पुनः फ्रॉम टू डेट ऑफ जर्नी चेति विकल्पानाम चयनम् करोतु ततः सर्च बसेस इति विकल्पम् नुदतु सम्प्रति अन्वेषणस्य परिणाम पृष्ठे आरक्षणाय उपलब्ध आसनानाम् विवरणम् द्रष्टुम् शक्यते यात्रा बसयान प्रकारः सौविध्य प्रस्थान अवतरणयोः समयः चेति स्थानानुकूलं परिणामान् चिनोतु आसनानि पश्यन्तु तस्मिन् नोदनं करोतु यद् भवान् आरक्षितुमीहते ततास्तव आरोहण आवतारणयो हो स्थानयो हो चयनम् करोतु continue pinjam नुदतु सम्प्रति व्यक्तिकम् विवरणम् भरतु यदि भवतः पार्श्वे offer cord पनक पत्रं चास्ति चे तस्य करोतु अधुना वेब फ़ाल के प्रदर्शित अंतर जालिये शुल्क प्रदानस्य विधासु कामापि एकाम् प्रचियो शुल्कम् प्रयच्छतु डेबिट कार्ड, कार्ड क्रेडिट काेडिट का शुक प्रदान विंडो फल वर्तमें शुल्क शुक प्रदान विंडो फलकम अस्ति। रेड बस वेब फलकद्वारा दिल्ली तरिद्वार पर्यत यात्रा अनुमतिपत्र आरक्षित प्रयतताम स्टेप वन रेड बस वेबसाइट उद्घाटय स्टेप टू फ्रॉम क्षेत्र से च टू क्षेत्र से हरिद्वार टक्यंत स्टेप थ्री डेट ऑफ जर्नी स्टेप फोर सर्च बसेस तत्पश्चात वाहन विवरण दृश्यंतु। स्टेप फाइव चयनीय वाहन इति व्यू सीट नुदतु। स्टेप सिक्स सीट इति नुदतु तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार बोर्डिंग पॉइंट चयनम करोतु स्टेप सेवेन कंटिन्यू बटन इति नुदतु तद एक फॉर्म दृश्यते स्टेप एट तदीय निजी जानकारी टक्यंतु चेम रेड बस एप तंत्र द्वारा जंगम दूरभाषे अंतर जाल द्वारा यात्रानुमति पत्र आरक्षित शक्नो रेड बस एप तंत्र स्थापनीय भविष्य एतदर्थम अधोदत्त क्रम असर सर्वाद प्ले स्टोर इत्यत्र गत्वा रेड बस एप गवेशयतु एतच्च निज दूरभाषे स्थापयतु यदा एप तंत्र स्थापना संपूर्णास्यात तदा तंत्रमेतत् प्रवर्तयितुं उद्घाटयेत ततश्च आरक्षणं प्रारभेत संप्रति प्रारंभः गन्तव्यं च फ्रॉम टू इत्यनयोः पंजीकरोतु यदा भवान् प्रारंभं गन्तव्यं च पञ्जीकारयिष्यति तदा तदाधरतः तिथिचयनम सर्च इति बसेजिजं नुदतु स आसनम चिनोतु प्रस्थन सेवरण पुनः कंटिन्यू बुकिंग इति पिंजम निज संपर्क विवरण नाम ईमेल मेल संपर्क संख्या आयु लिंगं चेती प्रपूर्य पुनः कंटिन्यू बुकिंग पिंजम नुदतु उपलब्ध विकल्पेशु एकम उपयुज्य शुल्क प्रदान करोतु। तरी इं भवान् अंतर्जाल यात्रा पत्र आरक्षि प्रभव धन्यवाद अग्रजे इद्म बोधनम अस्मभ्यम अतीव सहायकम से चलतु स इमं क्रियाकलापं निरीक्षामहे।

नूनम् महोदय भारत प्रशासनम् केन्द्र राज्यस्तरयोः नागरिकेभ्यः द्वारा विभिन्नाः सूचनाः सम्प्रापयति येन हि वैद्युतिक प्रशासनम् सफलितम् भवेत् भवान् एतान् निरीक्षितुम् अन्तर्जालस्य प्रयोगम् कर्तुम् शक्नोति चलत एक क्रियाकलापे